नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। सहरसा में हाल के दिनों में हुई कई आपराधिक घटनाओं ने आम जनमानस में भय का माहौल व्याप्त कर दिया। वहीं अब पुलिस ने भी सहरसा SP लिपि सिंह के नेतृत्व में सक्रियता दिखाते हुए 3 दिन पहले हुए ट्रक चालक हत्याकांड सहित 4 अन्य मामलों का उद्भेदन सौर बाजार थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर किया। इस दौरान SP लिपि सिंह ने बताया कि ट्रक चालक हत्याकांड के मुख्य आरोपी संजीत यादव को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उस कांड के अन्य 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं SP ने जिले में कुछ दिन पूर्व हुए 3 अन्य मामलों के आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों के पास से कुल 4 देसी कट्टा, 8 जिंदा कारतूस, 3 मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल फोन सहित नकदी भी बरामद की गई है। मार्च को सहरसा खगड़िया बॉर्डर पे एक पान लेते हुए ट्रक के चालक की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी करीब रात्रि में, और इसका प्रमुख कारण ये था कि वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों के लोग थे और वो जो ट्रक चलाते थे तो उनसे वो कुछ वसीले की फिराक में रहते थे। ट्रक मालिक के ट्रक चालक के द्वारा विरोध करने पर उसकी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। इस क्रम में एक SIT का गठन किया गया है सिंधी बख्तियारपुर के नेतृत्व में और रेड की गई और जो उसका प्रमुख सरगना था संजीत यादव उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 1 देसी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल, 1 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और 30,300 रुपये भी बरामद हुए हैं। इसमें अभी 3 साथी उसके और फरार चल रहे हैं जिसकी गिरफ्तारी जल्द ही की जाएगी। दूसरा एक मामला है 30 मार्च का जो कि आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अनुज कुमार तथा उसका एक साथी है, और उसके पास से 1 जिंदा कारतूस, 1 देसी पिस्टल, 1 चॉकलेट कलर का TVS जुपिटर, 1 मोबाइल मिला है। और ये जो अभियुक्त है ये कुमारखंड थाना में एक वांटेड है एक डकैती के केस में और इसका पुराना आपराधिक इतिहास भी है। एक घटना हुई थी 1 मार्च को सोनबरसा राज के बाजार में जब एक पिकअप और मोटरसाइकिल के बीच भिड़ंत हो गई थी और एक अपराधी है गोलू कुमार जिसने वहां पे फायरिंग की थी तो उस पर SC ST और आर्म्स एक्ट का केस दर्ज हुआ था तो उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। और गोलू सत्यम कुमार का पूर्व में पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। इसी क्रम में चंदन कुमार एक अपराधी है इस एरिया का जिसको भी गिरफ्तार किया गया है उसके मित्र फूलचंद यादव के साथ, और उसके पास से भी 2 देसी कट्टा, 1 फायर किया हुआ खोखा, 1 जिंदा कारतूस और 1 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। कुल मिलाकर के ये जो 4 घटनाएं हुई हैं उसका उद्भेदन हुआ है, गिरफ्तारियां की गई हैं, जो कुछ लोग बचे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और जो कुछ आपराधिक घटनाएं जो बढ़ी हैं मुझे लगता है कि इस उद्भेदन से और अरेस्टिंग से उसमें कम जाएगी। मैडम ट्रक चालक में हत्या में 3 और नाम बता सकते हैं? नहीं, उसके नाम तो